असलम वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप सब खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे अलहमदिल्ला हम भी ठीक हैं आज का ब्लाग इस्टार्ट किया है डिनर से और अब मैं जो डिनर में बनाने लगी हूँ ना आज बस आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी और जो भी मेरी रात की किचन की रूटीन होती है खाना वगैरह खाने के बाद तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने लगी हूँ अच्छा आज मैं बनाने लगी थी जी फिश और Uh, मैंने जो है ये फ़िश जो है छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर ली थी ये फिंगर फिश थी जिसमें कांटा नहीं होता है और उसको जो है मैं बनाऊंगी फ्राइड फ़िश हाफ़ जो है ना फिश में बनाने लगी हूँ फ्राइड फ़िश और हाफ की जो है मैं कढ़ाई बनाऊंगी तो चलिए यहाँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़िश फ्राइड के लिए ना मेरीनेशन बना लेते हैं तो उसमें डाल दिया है एक बॉल में टू टेबल स्पून ऑलिव ऑयल साथ ही इसमें डाल दिया है गार्लिक पाउडर वाइट पेपर पाउडर और नमक डालेंगे कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी जो है हल्दी ऐड कर देंगे सारे मसाले डालने के बाद लास्ट में इसमें डालना है वाइट विनेगर विनेगर डालने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले को और साथ ही इसमें डाल देंगे फ़िश और डालने फिश डालने के बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर रख देंगे इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए और फिर जो है जब तक मेरीनेशन हो रही थी ना फिर मैंने बना ली थी कढ़ाई उसके लिए यहाँ ले ली थे पांच मीडियम साइज़ के टमाटर उन्हें पील कर लिया था और इस तरह से ना काट के और फिर मैंने इसका बना लिया था एक पेस्ट पेस्ट बनाने के बाद ना तो सबसे पहले यहाँ रख दी है कढ़ाई उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था फ़िश को जो है मैं पहले फ़्राई करूँगी कढ़ाई बनाने के लिए तो इस तरह से ना फिश टूटेगी नहीं जब हम इसको बनाई करेंगे ना मसाले के साथ तो वही टूटेगी नहीं इसलिए मैंने इसे फ्राई कर लिया था अच्छा फिर मैंने क्या किया है कि सारा ऑयल जो है ना उसमें से निकाल दिए थे इस वाली कढ़ाई में से और जितना मुझे कढ़ाई के लिए चाहिए मैंने वही वाला तेल इसमें डाल दिया है और थोड़े सा जो है इसमें डाल देता है जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि वन टी और साथ ही जो है ना थोड़ा सा भुना है और साथ ही इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट जो बना लिया था अच्छा टमाटर का पेस्ट डाला है साथ में डाल दिया है नमक और लाल मिर्च का पाउडर और वन टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था और नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर दें अच्छा यहाँ ना मैंने कुछ ज़ीरा ले लिया था और थोड़ा सा साबुत धनिया ले लिया था यानी कि वन टी ज़ीरा लिया है और साबुत धनिया हाफ टेबल स्पून लिया है तो इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और दर दरा से कूट लूँगी अच्छा मसाले की अच्छे से बुनाई करने के बाद ना इसमें फ़िश ऐड कर दी है फ़िश ऐड करने के बाद इसे फिर अच्छे से बुनाई कर लेंगे यानी कि तेल जब सेपरेट हो जाएगा इसकी बुनाई कर लेंगे उसके बाद जो मसाला मैंने बनाया था ना ज़ीरा और धनिया का वो ऐड करेंगे और साथ में मैंने वन टी स्पून लाल मिर्च ले लिए और हाफ टी स्पून से भी कम ना काली मिर्च का पाउडर ले लिया था तो वो सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे मसाला डालने के बाद फिर इसे एक मिनट के लिए बस भुना है उसके बाद जी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था क्योंकि ये जो मसाला ना बिल्कुल चिपक चुका था फ़िश के साथ तो मुझे इतना जो है ना इसको भुना भुना नहीं रखना मुझे थोड़ी सी इसमें ग्रेवी चाहिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया पानी डालने के बाद इसे मिक्स किया है और कवर करके रख दिया था पाँच मिनट के लिए दम पर अच्छा जी तो यहाँ ना दम लग चुका था फ़िश को और फिर मैंने ना कोयला भी जलने के लिए रख दिया था फिर मैंने इसको थोड़ा सा स्मोकी जो है ना फ्लेवर देना है इसमें बड़े मज़े का लगता है क्योंकि फ़िश की ना स्मेल भी नहीं आती है और कढ़ाई में ना ये बहुत मज़े का लगेगा और अब कर लेते हैं फ्राइड फिश के लिए कोटिंग रेडी तो उसके लिए ना यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया उसमें नमक डाला है लाल मिर्च पाउडर डाली थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दिए और इसमें डाल दिया था आ, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया उसके साथ ही ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मैं एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से रखनी है और लास्ट में ना इसमें फ़ूड कलर भी ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना कलर इसका बहुत हल्का हल्का सा लग रहा था फिर मैंने क्या किया कि फ़ूड कलर भी ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और बैटर की तो कंसिस्टेंसी आपने देख ली है ना तो इस तरीके से इसको रखना है उसके बाद जी और थोड़ा सा मैदा एक्स्ट्रा रख लिया था थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था तो हमने क्या करना है पहले जो है कि बैटर में डालना है फ़िश को और उसके बाद जी इसको कोट करना है खाली मैदे से और फिर इसको फ्राई कर लेना है और ये क्रंची सी फ्राइड फ़िश रेडी हो गई है बाकी का जो बैच था वो बाद में निकाल दिया था और जो रेडी हुआ था फिर दसान लगा दिया था ताकि गरम गरम खाते रहें और ये कढ़ाई कढ़ाई भी रेडी हुई थी तो इसमें ऐड कर दी है मैंने हरी मिर्च काट के साथ में जो है धनिया और अदरक काट के इसमें डाल दिए तो ये जी है इसकी फाइनल लुक खाना वगैरह खाने के बाद ना किचन की कोई ये हालत हुई हुई थी तो फिर जल्दी जल्दी जो है ना मैंने किचन समेटा और बस उसके बाद ना ये चिकन वगैरह भी वॉश करके रख दी थी आज मंगवाई थी मैंने तो बस शाम में जो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं करा था क्योंकि ना इसकी स्मेल आने लग जाती है चिकन की कपड़ों में तो फिर मैंने कहा इकट्ठा ही जो है ना जब मैं किचन से बाहर निकलूँगी ना तो तभी मैं इसको धो लूँगी जब मैं बर्तन वगैरह धो के हटूँगी और बस ये कढ़ाई जो है ना मांझ मांझ के मेरे हाथ कोई इतने खराब हो गए थे क्योंकि ग्लव्स जो है ना मेरे फट चुके थे ख़राब हो गए थे और फिर अभी तक जो है ना वो मैं ला नहीं सकी हूँ मतलब मुझे फिर याद ही नहीं रह रहा था कि मैं ग्लव्स ले लूँ और इस बार तो जो है जब मैं गई थी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मिली ही नहीं मुझे उसके बाद ना ये हाथ वगैरह जो बहुत ज़्यादा ना रफ हो जाते हैं फिर मेरे और फिर ना भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है तो इसके बाद ना ये दूध वगैरह भी आ गया था फिर मैंने दूध भी बॉईल कर लेना था और फिर सारा किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं पानी निकल गई थी और साथ में ना, ना यहाँ पर मैंने यखनी भी चढ़ा दी थी क्योंकि मैंने कहा चलें सुबह ना इसको बना लेंगे या तो पुलाव बना लूँगी या बिरयानी बना लूँगी दोपहर में तो मैंने यखनी ना अभी बना बनने के लिए रख दी थी क्योंकि मैंने गोश्त ना निकाल के डीफ्रोस्ट कर लिया था कि फ्रीज़र uh, जो है ना मुझे अब खाली करना है तो इस वजह से ना फिर मैंने यखनी बना ली मैंने कहा चलो अब दोपहर में ना इसके बिरयानी या पुलाव बना लेंगे तो अब देखते हैं फिर मैं क्या बनाती हूँ तो आज का ब्लाग फिर मैं यहीं एंड करती हूँ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें वीडियो को साथ में शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें इन फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़